दो जिस मिनट दिन में ओपन आप हो चुके विश्वेश्वर अय्या क्या शब्द इनका का इंटरनेट उच्चारण कर टारगेट देंगे, जो है मेरा सपोर्ट वोट बीजेपी आपको। बस मैं यही जिस कहता दिन विश्वेश्वर अय्या ये बीजेपी को सपोर्ट करते हुए बैठ के यहाँ पे वो सही सपोर्ट कर देंगे, आप मेरा वोट आपको। आप फिर मत करोगे बैठे और नंबर लेना मैं चाहता हूँ आप बीजेपी। देखिए मैंने शुरू में ही बोला ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता हैं, ये हारने के बाद भी बोलेंगे जी हम हारे नहीं बल्कि एक तरीके से जीत गए। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। एके जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। एके मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूं, जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं कि कुछ भी कर ले लोग महागठबंधन बना ले कुछ भी कर ले, लेकिन दो तीन बातें जो मुझे समझ में आती है कि देखिए जो पकड़ समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की समाजवादियों पर होनी चाहिए, 25 साल के बाद जो गठबंधन हो रहा है वो पकड़ मुझे लगता है कि अब फीकी हो गई। शिवपाल यादव अलग हो गए, संगठन के सबसे बड़े नेता हैं, संगठन पर उनकी मजबूत जो पकड़ है अभी तक बनी हुई है, इससे समाजवादियों को नुकसान होगा। कांग्रेस को अलग थलग करने की क्या रणनीति है इसका भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और बीएसपी के बारे में क्या लगता है कि दलितों की अभी भी कृपा बीएसपी पर उतनी है जितना 25 साल पहले या 10-15 साल पहले रही होगी, या चीज़ें बदल गई है इसलिए बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि हम 74 लाएंगे, 72 से तो कम बिल्कुल नहीं लाएंगे, इसके पीछे का गणित थोड़ा समझाइए मुझे। देखिए गौरी शंकर जी, वैसे कोई भी पॉलिटिशियंस केवल अमित शाह ही नहीं कोई भी नेता चुनाव के पहले ये बोलते हैं कि 74 की आपने बात की, आप ये बोलिए ना 100% बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं हम ही जीतेंगे। अमित शाह भी यही बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि अमित शाह जी बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा गंभीरता से लूंगा क्योंकि पास्ट में रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अब की बार मुझे ये नहीं लगता है अमित शाह अभी नहीं या कोई और नेता, आप अखिलेश यादव से पूछिए, जो है मायावती से पूछिए, इवन जो नई पार्टियां बनी है राजा भैया जी से भी अगर आप पूछेंगे तो बोलेंगे सारी की सारी 80 की 80 सीटें हम ले जाएंगे। ये इनकी मजबूरी है, ये फैक्ट नहीं बता सकते हैं, अंदर ये जानते हैं, ये नंगी आंखों का सच है मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान में भी अमित शाह जी ने बीजेपी वालों ने बोला था हम ये इतने के पार जा रहे हैं, बिहार में भी इन्होंने बोला था कि हम जीत रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे नो मैटर ओवरऑल इन्होंने जीत ज्यादा हासिल की है। तो मैं इस चीज को बाई नहीं करता, मैं इस चीज से कन्विंस नहीं होता हूं। देखिए है क्या, ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो हो सकता है ये जो गठबंधन बना है सपा बसपा का, आपने जो प्रश्न पूछा मैं आज भी बोलता हूं बीएसपी के जो हार्डकोर वोटर है, देखिए किसी पार्टी के कितने तरीके के क्लासिफिकेशन ऑफ वोटर देखिए तो एक होते हैं हार्डकोर वोटर, जैसे आरएसएस के जितने आदमी है बीजेपी जीते या हारे लेकिन उनका वोट बीजेपी को ही जाएगा, ऐसे ही बीएसपी का जो वोट बैंक है ज्यादातर उसमें हार्डकोर वोटर है और कुछ भी हो जाए वो पहली प्राथमिकता उनका वोट हमेशा बीएसपी को जाता है। और इतिहास उठा के देख लीजिए बीएसपी के वोट बैंक में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है, अगर 20% 19% उनका वोट बैंक रहा है तो 18% हो जाएगा, 1% घट जाएगा बढ़ जाएगा, तो कहने का मतलब जीतने के लिए चाहिए 35% 40%, तो 20% तो मिलता ही है मायावती को। अब इतना ही फिक्स वोट बैंक आपका समाजवादी पार्टी का है तो दोनों मिलके 1-2% ये लोग बीजेपी से आगे निकल जाते हैं। नहीं नहीं थोड़ा सा मुझे करेक्ट करने दीजिए कि दरअसल देखिए आप कह रहे हैं कि दलितों का वोट 2% कम होगा, लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें बदल गई है, दलित के कई बड़े चेहरे अब समाजवादी माफ कीजिएगा बीजेपी के पास हैं, तो वहां पर भी तो मामला कुछ गड़बड़ होगा ना सर। मैं आपको बता रहा हूं, अब देखिए समाजवादी में देखिए समाजवादी पार्टी में देखिए शिवपाल यादव अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है तो क्या आप मान के चल रहे हैं कि 18-19% जो वोट शेयर है समाजवादी पार्टी का उतना रह जाएगा? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट काम करता है सर, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं एक अपना एनालिसिस बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसा करके सोचें इसके बाद जयप्रकाश पांडे जी के पास चलेंगे कि अगर 15-16% है बीएसपी के पास और अगर 16-17% मानकर चलें 18% मान के चलें कि समाजवादी पार्टी के पास 18-19 थोड़ा सा वेरिएट होते रहता है, अगर उसे 10% अगर शिवपाल यादव ले गए तो बचा क्या समाजवादी पार्टी के पास 9 या 10%, 15 और 10-25 मान के चलिए, आरएलडी अभी है नहीं, कांग्रेस को आपने पूरी तरह सटाए नहीं लेकिन इसमें भी देखिए कुछ चाल है, मैं इसको समझूंगा बाद में, मुझे क्लियर कर लेने दीजिए जवाब दे लेने, बहुत जल्दी बताइए इसको बहुत जल्दी। देखिए मैं ये बोलता हूँ ना, जब एक मजबूत गठबंधन होता है तो होता क्या है कि समाजवादी पार्टी का मतलब पब्लिक क्या परसेप्ट करती है ये इंपॉर्टेंट है। सपा बसपा का गठबंधन इतना फोर्सफुल होगा, इसकी पावर इतनी ज्यादा होगी कि शिवपाल यादव के साथ भी जो वोट बैंक है उनका परसेप्शन ये बनेगा कि असली समाजवादी पार्टी यही है,
जो आदमी ये परसेप्शन डेवलप कर लेगा ज्यादातर वोट बैंक उन्हीं के पास खसक जाएगा। ये तो देखिए, ये तो लिटमस टेस्ट है। नहीं नहीं, 1-2% ये वोट बैंक कुछ ऐसा हो जाएगा, एक ये तो लिटमस टेस्ट हो जाएगा शिवपाल यादव का भी और अखिलेश यादव का भी चुनाव में, अगर ऐसा होता है तो। जैसा आप वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उसमें समाजवादी पार्टी को नुकसान थोड़ा बहुत जरूर पहुंचाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको ध्यान हो कि जब इंदिरा गांधी थी और कांग्रेस बटी थी और उस समय कांग्रेस का अपना बड़ा प्रभुत्व होता था, निजलिंगप्पा और चंद्रभान गुप्ता बिरासीदास जैसे दिग्गज नेता अलग हो गए थे, लेकिन कांग्रेस आसानी से निकल गई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक तो ये तीसरी बात जो आपने कांग्रेस की बात कही है कि जी नहीं बोलिए सर, कंटिन्यू क्या कह रहे हैं? नहीं बोलिए बोलिए, आप कंटिन्यू रखिए बात। नहीं नहीं बस समझ गया प्रमोद गोस्वामी जी, कोई दो राय नहीं है। यहीं पर मैं आना चाह रहा हूँ। देखिए इसको और एक्सटेंड करेंगे, इसको एक और भी एक्सटेंड करेंगे। एक मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ट्रंप कार्ड तो कोई एक ही होता है ना, ताश वास खेलने का तो होगा ही आइडिया होगा। ट्रंप कार्ड जो जिसको कहा जाता है एक ही पत्ता है और सारे गेम को पलट देता है वो। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी के पास दो ट्रंप कार्ड है, एक शिवपाल सिंह यादव और दूसरा कांग्रेस। ये दोनों अपनी हरकतों की वजह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अमित शाह कह रहे हैं कि हम 74 लाएंगे और 72 से कम कभी नहीं ला सकते। थोड़ा सा समझाएं। वैसे देखिए तो बीजेपी के पास एक छुपा हुआ ट्रंप कार्ड और है। अगर ओवैसी साहब ने भी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया तो मुस्लिमों का, तो जो मुस्लिमों का वोट बैंक कटेगा तो वो भी तो सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो सपा और बसपा के ट्रेडिशनल वोट बैंक है ना, माई फॉर्मूला मतलब यादव। और ये एक और बहुत बड़ा छुपा हुआ ट्रंप कार्ड है गौरीशंकर जी, हमें समझ लेना चाहिए। सर एक मिनट खत्म कर लीजिए, लौटते हैं आपके पास। चलिए मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा अपनी बात पूरा कर लीजिए। एक प्रमोद जी थोड़ा सा रुकिएगा। एक बहुत जबरदस्त ट्रंप कार्ड अपने आप बीजेपी के फेवर में जाएगा और ये अलायंस के लिए, सपा बसपा के अलायंस के लिए चैलेंज है। 37-37 सीटों पे सपा और बसपा ने किया है, 38-38 यानी आप ये देखिए अगर 80 अगर ये दोनों अलग लड़ते हैं तो इनके 80-80 कैंडिडेट को जो है मौका मिलता। अब आधे आधे लोगों को मिल रहा है, तो आधे लोग जो एमपी थे या जिनको टिकट मिलता था एसपी और बीएसपी से वो बेकार हो जाएंगे। तो बीजेपी तो ये भी कर सकती है ना कि इन लोगों को खड़ा कर दे, कम से कम वोट काटने के लिए ही खड़ा कर दे। सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा इस अलायंस को सपा बसपा के लिए कि जिनको टिकट नहीं मिला और जो दिग्गज है उनका रोल क्या होगा। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा अलायंस से अलग हटते हैं। एक मिनट प्रमोद जी, अगर हम जयप्रकाश पांडे जी पास चलेंगे, उन्होंने वोट काटे जयप्रकाश पांडे जी मिश्रा जी, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? 1% आधा परसेंट, एक मिनट चौधरी, एक मिनट, या हमारा जयप्रकाश पांडे जी, तो इनके भी तो महाधिवेशन के बाद इनके भी तो सांसद हमारे टच में है, वो भी तो 10-5% मैदान। एक मिनट, उनकी तो चर्चा कुछ नहीं हुई ना। एक मिनट, इनके कई सांसद अभी तो टाइम बाकी है ना, कई सांसद इनके गठबंधन के टच में है। एक मिनट, वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। चौधरी साहब एक मिनट, दर्ज करा दिया कल, ये कल टॉपिक नहीं है सर। नहीं ये बोल रहे ना कार्यकर्ताओं की, जब आप अपने कार्यकर्ताओं की नहीं, 307 का मुकदमा। कोई भी गठबंधन बन जाए, कांग्रेस या ना जी साहब, हम अपने बलबूते पे जीतने निकलते हैं। क्या हिसाब लेना हमारा काम है। देखिए मैं बताता हूँ गौरी शंकर जी, देखिए मैंने शुरू में ही बोला ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता है, ये हारने के बाद भी बोलेंगे जी हम हारे नहीं बल्कि एक तरीके से जीत गए। बात यहाँ हो रही है 2019 के इलेक्शन में क्या होगा, यूपी में कुछ अलग होगा और बीजेपी को डेंट लगेगा, उसके पीछे रीजन है। जो आपने सवाल पूछा कि यूपी में क्यों सारी पार्टियों की हालत खराब हो जाती है, मुझे एक बात समझाएं, मुझे एक बात देखिए, जयप्रकाश पांडे से हम 1000 बार, अगर बीजेपी को डेंट लगेगा तो बीजेपी की नीतियों से लगेगा जो 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं करा। देखिए मेरा सवाल एक तरफ वो देश की जनता है कि जिसकी माँ मर जाती है जलाने को लिए लकड़ियां नहीं है, कूड़े के ढेर पे जलाती है, एक तरफ वो पीएम है जो 10 लाख का सूट पहनता है, जो 4.5 लाख रुपए के डिश खाता है। बिल्कुल सवाल खत्म है, लेकिन हिसाब तो लो। अरे आपका काम इनसे हिसाब लेना है, आपको ये फिक्र मत करो डेंट लग जाएगा। मुझसे तो बहुत ले चुके हैं आप, हिसाब जरा इनसे भी हिसाब लो। हमसे तो बहुत हिसाब लिया है आपने। सवाल खत्म होने दो, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं मेरा देखिए मेरा सवाल ये था कि देखिए मैं भूल भी जा रहा हूँ, आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं, मैं सवाल ही भूल जा रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस ठीक है अपने दावे कर रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है, लेकिन एक बात जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, ये जो डर है, साजिश है बीएसपी के अंदर, है ना, समाजवादी पार्टी के अंदर, कि चुनाव से पहले अगर ये लोग साजिश
पे उतर आए, है ना, किसी तरह का कोई षड्यंत्र करने लगे तो हम लोग का गठबंधन फेल हो जाएगा। एक इस सवाल को समझना जरूरी है। और जो जीत का मंत्र दिया गया, हम 50 बार भी पूछ लेंगे, जयप्रकाश पांडे जी से नहीं बताएंगे जीत का मंत्र क्या दिया गया, लेकिन इस बार वाकई में क्या बीजेपी के पास जीत का कोई मंत्र है? एक है बीजेपी, बताइए थोड़ा। जीत के बहुत सारे विकल्प है, मैं आपको बताऊं बीजेपी को, और कुछ मामलों में अगर पैन इंडिया लेवल पे देखा जाए, जो वर्कर्स हैं हर जिले में अगर कार्यालय है तो वो बीजेपी का सबसे स्ट्रांग है, एक्टिव मूड में। वर्करों का मनोबल टूट चुका है सर, इतनी हिमायत मत कीजिए, मनोबल टूट चुका है वर्करों का। आपके 5 साल में पीएम ने कुछ नहीं करा, आप बीजेपी की हिमायत मत कीजिए। वर्करों का मनोबल टूट चुका है, आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया है, गडकरी जी पीछे पड़े हुए, बहुत वर्कर है, विदाउट वर्कर हम देश की जनता के उसमें जीतेंगे, जनता जिताती है, वर्कर नहीं जिता सकते। कितना वर्कर है, कितने वोट मिल जाएंगे वर्करों के, वर्कर कितना वोट दे देंगे? छत्तीसगढ़ में समाजवादी ने जिताया हमको, कितना जिताया मध्य प्रदेश में हमको, कितना जिताया राजस्थान में हमको, 2009 में समाजवादी ने हमको 22 सीट दिखाई। 60 साल हुकूमत करी है हमने, किसी के धंधों में नहीं करी, अपनी नीतियों पर करी है। आप बोलने को कसर नहीं छोड़ रहा, बोलिए ना, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा। आप वोट क्या, आप क्या कादरी साहब, वर्करों के कितने वोट है, क्या वो किसान वोट देंगे जिनका लाठी पड़ी है? रुकिए क्या थोड़ा सा, क्या वो दलित वोट देंगे जिनका मसीहा की मूर्तियां टूटी, क्या वो मरीज, क्या वो माए वोट देंगे जिनका बच्चे मारे गए ऑक्सीजन के बगैर? मैं बता रहा हूँ, माए वोट देगी कादरी साहब, माए वोट देगी वोट देंगे जिसने हजारों सिखों की हत्या करवाई, जिसने चाइना को हत्या कराई, वो जेल के अंदर है, लेकिन वो जिसके 70 साल के, जिसके 70 साल के शासन में, जिसके प्रधानमंत्री कैंडिडेट को बोलना नहीं आता है, आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो? प्रधानमंत्री, मैं आपके खिलाफ क्यों फोर्स कर रहा हूँ सर? आप लोग अपने अपने जिम्मेदार में झांकिए, 500 ऐसे पॉइंट है, मैं आपको बता सकता हूँ, गिना सकता हूँ। आपको पता है कांग्रेस के राज में कितने घोटाले हुए हैं, कितने घोटाले हुए हैं आपको पता है? भारत की इकोनॉमी में 8 गुना ज्यादा घोटाला कांग्रेस के राज में हुए। सर मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था तो आप क्यों बोल रहे हो? आप मेरे ऊपर गुंडागर्दी मत करो, आप मेरे ऊपर गुंडागर्दी मत करो, मुझे फोर्स मत करो। कांग्रेस बोलिए, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं कांग्रेस या बीजेपी के फेवर में बोलूंगा। आप दोनों की आवाज को बंद कराना पड़ेगा। आप मुझे बोलने दीजिए, अपने टाइम पे बोलिए। ऐसे नहीं होता डिस्कशन, ये तरीका सही नहीं है। जबरदस्ती आप मुझे फोर्स कर रहे हो। मैं जब कह रहा हूँ अगर मैं कह रहा हूँ 50 सीट तो ले नहीं आ पाया, आप तोड़ने की बात कर रहे हो, बचा रहे हो, अभी देखो क्या होता है। अरे सर 1% ज्यादा वोट बैंक है उन लोगों का, आप जाके समझो ना, किसका 1% ज्यादा है, किसका है, कैसे उनके पास, कितने कितने सीटों से आप जीते हो सर? आपका जो सूत्रा साफ कर दिया गया, सारी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस का सूत्रा साफ कर दिया, खड़े ऐसे हैं जैसे दलित को छोड़ेगा, उनको दलित को साबुन से, आप ऐसे झाग नहीं रहे हो, तमाम अधिकारियों को अपना अस्तित्व बचाने समय खत्म हो रहा है, बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। अकरम कादरी जी ऐसे नहीं चलता, ऐसे चर्चा नहीं होती, अकरम कादरी जी ऐसे चर्चा नहीं होती, एक आदमी इनको यूपी में पूछ नहीं रहा है, नहीं ऐसे चर्चा, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे चर्चा कोई लाइन नहीं लगी है, कैंडिडेट आपको नहीं मिल रहे हैं, नहीं दिक्कत क्या है, मुझे फोर्स मत करिए, कादरी साहब क्या आप शांत नहीं रह सकते, हिसाब से आप शांत नहीं रह सकते, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? अगर आपके पास, अगर आपको बोला जाए मुझे भी आप फोर्स पॉइंट है, मैं विदाउट सच्चाई का वोट सकता हूं, आपकी पार्टी की, यू डोंट नो, सच्चाई बोल सकते हैं, मैं ऐसा पीएम की सच्चाई, ऐसा पीएम गैस की सप्लाई नहीं हो रही है, 10 लाख का सूट पहनता है, 4.5 लाख की बिरयानी और वो खाता है, पाकिस्तान से हाथ मिलाता है, अरे सर आप कश्मीर को तहलका बना दिया और छोड़ के भागे, सुधार नहीं सके, गृह युद्ध कराते कश्मीर में, पीएम कैंडिडेट को बताओ
कि नाम कैसे लिया जाता है, हिंदी में नाम बोलने उनको नहीं आता और फॉरेन से ट्रांसलेट है, शर्म नहीं आती है आपको? मनमोहन सिंह की बात कर रहे हो, आपके पीएम ने पीएम मौजूद रही है, मोदी सरकार के पास रहे, पहले जाके आप अपने शिक्षा मंत्री के टिकट पर आइए, फिर से स्कूल में दाखिले के लिए भाई सवाल है, बड़ा एक अहम सवाल है, लो अभी एक मिनट दे दीजिए, एक जी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, आखिर ये दो मिनट में ओपन हो चुके हैं, क्या इनका इंटरनेट टारगेट जो है मेरा वोट आपको, बस मैं यही चाहता हूं, जिस दिन विश्वेश्वरैया ये बीजेपी को सपोर्ट करते हुए बैठ के यहां पे वो सही से कर देंगे, आप मेरा वोट आपको, आप प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, मैं चाहता हूं आप बीजेपी का प्रवक्ता, मैं आप ही के फेवर में बोल रहा था, अरे मेरे फेवर में फोर्स मत करिए, आप आज तक नहीं बोलोगे, क्यों बोलूं, क्यों बोलूं आपके वही तो मैं चाहता हूँ, खुल के बोला बीजेपी के पक्ष में, जनता को पता तो लगे क्या आप निष्पक्ष हैं या बीजेपी के प्रमुख हैं, बीजेपी या किसी पार्टी का, आप बोलिए ना आपके पक्ष में, क्या जिसने देश की जनता को, अकरम कादरी जी, अकरम कादरी जी और एके मिश्रा, आप दोनों से मैं बहुत अपसेट हूँ, आप दोनों ने चर्चा में मर्यादा नहीं, मैं आपसे पत्रकार अच्छा लगता है, मैं आपसे मैं इतने दूंगी बात हूं, मैं आपके आपका समय खत्म हो गया, कितना भी हम आप दोनों का समय खत्म हो गया, एक मिनट आप दोनों का समय खत्म हो गया, लेकिन दोनों का समय खत्म हो गया और आप दोनों ने ना तो प्रमोद गोस्वामी को बोलने दिया, ना जयप्रकाश पांडे को, ना ही संजीव चौधरी को, ऐसे नहीं चर्चा होती, मैं पांच लोगों का बुला रहा हूं, पांच लोगों के पास वक्त होना चाहिए, मैं काउंटर करने का मौका देता हूं, इसका मतलब नहीं कि इसका बेजा इस्तेमाल करें आप लोग, समय खत्म हो गया, प्रमोद गोस्वामी जी माफ कीजिएगा, आप आए, वक्त आपने निकाला, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, जयप्रकाश पांडे जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, अकरम कादरी जी और एके मिश्रा आप दोनों का भी शुक्रिया, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, इस तरीके को सही करना पड़ेगा, आप दोनों ने अपसेट किया, इस चर्चा को ही आपने गलत तरीके और गलत दिशा में लेके गया, संजीव चौधरी जी स्वागत आपका, शुक्रिया आपका, इसी के साथ